रस्कू मर जाओ। अरे दादा रज्जू को फोन आ गो। सर घर से फोन है, उठा लीजिए। हमें नहीं उठाने। उठा लीजिए सर। अक्सर बीवी का फोन देर से उठाने वाले इस दुनिया से बहुत जल्दी उठ जाते हैं। हेलो रज्जू। हाँ अरे यार बहुत फाइलें हैं, बहुत काम है, जल्दी बोलो क्या बात है। ऐसा है दरोगा जी, जब तुम बिजी हो ना तो हम भी फ्री नहीं बैठे हैं, और तुमको डिस्टर्ब करने का हमें कोई शौक ना है, हैं? बच्चे भूखे रहते हैं तो रह ले हमारी वाला से। अरे दादा बोलो। ऐसा है बच्चे आज जल्दी स्कूल से आ गए, ठीक है, अब उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने होगो तुम पूछ के बताओ, कहाँ खाने हैं हम वही बना देंगे। अच्छा ठीक है, रुको यार लगा रही। आओ। हाँ पापा कहो कहो जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। तू बिजी है? हम इतने का फ्री बैठे, तू कौन सा बिजी है? पहाड़न पे का मतलब सड़कें बना रहा हुए कि बाल्टी से समंदर खाली कर रहा हुए कि उत्तराखंड जाके अश्वगंधा की खेती कर रहा हुए, धी के लट बाप से ऐसे बात कर रहा हूँ? हम सारे तेरे खाना खिलाने फोन कर रहे और तू हमें बता रहा हो बिजी का बिजी है, तू बता। सांप सीढ़ी खेल रहा हूँ, मेरी टर्न आ गई है। तो कुछ शर्म नाम की चीज नहीं है, बाप तेरे खाना खिलाने फोन कर रहा हो और तू सारे सांप सीढ़ी खेल लो, जाने डस लो बाने डस लो, सारे सब मिलके हमें डस रहे, बाप को डस रहे हो तुम। और फोन में खेलूं तो प्रॉब्लम, घर के बाहर खेलूं तो प्रॉब्लम, अब घर में शांति से बैठ के सांप सीढ़ी खेल रहा हूँ, जहाँ में भी आपके गुर्दे छिल रहे हैं। बेटा जब कोनो और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा हो तो है ना, तो तुम्हारा को कोनो हक नहीं है कि तुम खिलवाड़ करो बाप के साथ। अरे पापा आप गेम के बीच में डिस्टर्ब करो, आप बाद में डांट लेना हमें, रख दे फोन रख दे। रख रहा हो चुप कर, पहले हमें जो बता सीधो सीधो खाना में क्या खाओगे? लज़ानिया पास्ता बनवा दो बस, जाओ अभी, बाय बाय बाय। कौन सा पास्ता? लसुनिया पास्ता भी होता है, एक से। अरे लज़ानिया पास्ता पापा, मम्मी को बोल दो वो समझ जाएंगे, बोल दो। मनोहर। यस सर। सारो पास्ता तो सुनो है, जो लसुनिया पास्ता किस टाइप का नाश्ता है? ऑफ कोर्स सर, सर ये कॉन्टिनेंटल डिश है, इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि बेल पेपर, चिली फ्लेक्स, ब्रोकली एंड ऑलिव्स, अलग अलग तरह के होते हैं, और उसमें लहसुन का। समझ गया, तू जाने ऐसे ज्ञान पील रहा हुआ जैसे फाइव स्टार होटलों में पलू बड़ो हुए। सारे हमेशा तेरे डब्बा में अरहर की बस दाल होती है बस। चाय बोल गया एक बढ़िया वाली, बढ़िया टंटना रही है माई। अब कुमर आओ। हेलो दरोगा जी। अरे हमें लगू तुम होल्ड पे हो, हमने फोन काट दो तो धोखे में। सुनो सुनो बात हो गई लंदन से, उन्हें लसुनिया पास्ता खाने हैं, तो तड़का फड़का मार के बना दो, पेलम पाल कर दो, ठीक है? आज को काम खत्म दादा। लसुनिया पास्ता बच्चे भी खा के ना, नहीं तो मैं मुंह पे थूक दिए तो माओ नाम भी रज्जो ने। चल आज को काम खत्म हो गो। तू का देख रहे थे, जाके एक चाय बोल दे। लसन का तड़का मार के बोले तो सर। Because of you and your stupid machine, me is not eating anything from 2 days. Today is 3rd day. And now you're asking me why me angry. Calm down. Calm down. Cat, calm down. Why are you increasing my BP? Blast my heart. Blood flow bigad jayega. Me just say sorry. Sorry. Me feeling somewhere else. My soft corner, dil mein. On a corner mein. Sorry to you. Sorry. Shut up. Me is not taking any of your sorry. Angry meaning angry and not talking to you. Sorry. Me saying no, sir. Where are you? What is this? Sorry, please. I'm really sorry. Okay, fine. Me is only forgiving you if you taking my punishment. Accepted. Fine. Then today, because me is feeling low, na yaar, there is no food going inside. So you giving me party, pizza party, chat party, then ice cream party. After that, in the evening, you buying me my new pink dress. Done. मर गया। कदम। बेनी। यार एक बात बता। तेरो ऐसो कबूं जिंदगी में अनुभव बहु का कि तू सो के उठो। एकदम से देखो तो जिंदगी एकदम से बदली बदली। हर चीज
उलट पलट हो गई है, मतलब जिंदगी में ऐसा लग रहा हो बस टेंशन 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 और सिर्फ टेंशन है। शांति एकदम खिसक गई, ऐसा भाव का कम हो तेरे साथ बता। भाव जब हमने बग्गू से शादी करके यहाँ ले आए, क्या क्या सोचा था, जिंदगी ऐसी हो गई है, जिंदगी एकदम सब उलट पुलट हो गई, भसंड हो गई, एकदम कीचड़ हो गया, सब खत्म। वो नहीं कह रहे, वो तूफान तो हर आदमी की जिंदगी में आते हुए, हम खाना की बात कर रहे, खाना को लेके बात कर रहे, खाना ना जिंदगी मतलब हराम कर दे। यार तो न्योता किसने दिया था इस चीज को, निमंत्रण भी तो तुमने ही दिया था ना है, अब आ वक्त करो, लाम को दो, भूख लग गई। तुम पता कैसू आदमी है, हमने समझ लो, जब जब हम दुख तकलीफ में होते हैं ना, या तो तू घटिया आइडिया देते हो या जली पे नमक छिड़कते हो, तू हमें मजा बहुत लेते हो, हम सच में परेशान है यार। अरे अब कहाँ डी तुम ऐसा करोगे, और ऊपर से तुम हमारे ऊपर, हमने क्या गलती की भाई, हमने तो थोड़ी ना वो कहा था कि पिज्जा बर्गर ये सब खिलाओ लाओ ऐसे करो। करेक्ट, गिजारी पिज्जा बर्गर पास्ता घुइया लहसुन, इनने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से जी सारी राक्षस लौंडा लपाड़ी, इनसे कहो का खाओगे, हम बोले आलू तो कहेंगे घुइया, हम कहेंगे घुइया तो कहेंगे बैगन, हम कहेंगे बैगन तो कहेंगे कद्दू, हम कहें कद्दू तो कहेंगे तुरैया नैना, मतलब सारे टेढ़े हैं जो बनने हैं घर में, बाकी लाने गर्दन नहीं हिलाते, उल्टो ही बोलने सारन के। सुनो हम बताएं, इस मामले में हमारे बग्गू बहुत बढ़िया, हम जो जो चाहे बना दे पका दे, एकदम भैंस की तरह सब डकार जाती है, एकदम कड़ाई चाट जाती है। बग्गू रीजन है काय, बग्गू जो रीजन है कि चार गालियां अगर सुना देगी तो तू सड़ा सड़ा के मुंह फिर बनाएगू खाना, और फिर सड़वा ही बनाएगू लुगाई को गुलाम। अबे यार तुम तुम्हारे परिवार का टेंशन हमारे ऊपर कहां पे करो बे। Oh my God, what happening to grandmother? अरे ऐसे कौन करता है बाबा? आप पानी पियो, पानी पियो। ना बेटा, पानी से कछु ना होगो। बहु, दवाई ले आ हमारी। आ गए अम्मा। जल्दी करो जल्दी। जम्मा फिलहाल ना तुम जा नींबू पानी पी लो, थोड़ी देर के लाने तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी, उसके बाद हम दवाई देते हैं। ठीक हो? हाँ दादी। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग की घंटी बजा के आ गए। अरे दादी कैसी बात कर दी, यमराज तो नहीं मिला? पता चला तेरी फोटो वोटो ले ली उसने। तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी फोटो भिजवा दूंगी बा को, भैंसे पे आएगा तेरे को लेने के लाने। मलाइका दादी की तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा मजाक अच्छा लुक तो है। हमें आज जो जिंदगी से दूर करो, सब्जी भाजी ने हमारी मतलब लंका लगा दी है, अब हमें सब्जी भाजी दिख रही है ऐसा लग रहा है, क्या करें बता। सुनो हाँ गुरु, हमारे पास एक बहुत बढ़िया बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय टाइप का आइडिया ये है कि तुम एकदम उसके सामने जाओ चौड़े से, ऐसे हाथ जोड़ो, साष्टांग प्रणाम करो, माफी मांग लो, फिनिश। एक सेकंड का कह रहा हूँ, तू माफी मांग लो, सारे मतलब रज्जू के आगे घुटना टेक दे, तेरा दिमाग खराब है, सारे सीधे सीधे बोल देना, नाक कटवा ले। हमने तेरी सारे का सोच के शादी कराई थी, तू हमें का ज्ञान दे रहा है, जब तेरी तरक्की देख के हम कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते, हमारे कहने का तात्पर्य देखो, वकील के हिसाब से हम बता रहे, महिलाएं जो है ना पुरुषों को वहीं पर चोट देती है, वहीं चुनौती देती है, जो उसको 100% पहले से मालूम हो महिला को कि इसमें लौंडा जो है हार जाएगा, और तुम हार जाओगे, हम इसलिए बोल ले एक ही एक रास्ता है, माफीनामा। तू अब मैं तेरे पारा तू हाई कर रहा हूँ, मैं गुस्सा को बेटा, पर हम जो चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, हम घुटना नहीं टेंकेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, को कछु भी बने से उखाड़ ले। कोई बात नहीं गुरु, शुरू ऐसा है कि हम तो दोस्त की तरह चिता रहे थे, बाकी कोई बात नहीं, बाटम साहब का हुआ, हार नहीं मानेंगे हम। अम्मा कहो गो। अरे कहा बताएं, हम जिसु कर मना कि तो सिर्फ बात कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ। हैं? अरे बाबू वो क्या हुआ ना, कोरमा बनने में लेट हो गया, इसलिए दादी की शुगर हिल गई। तुम हमें काहे लाने आंखें ततेर रहे हो,
जब मटन आएगा तभी तो कोरमा बनेगा। मटन आए? अरे अरे अम्मा तो मऊ का कोरमा नहीं है, सोचो ना रहने दो, कचू भी खा लेती, ज्यादा सा बना ली तुमने। अरे हम तो खा लेते, हमारी इतनी शक्ति ना हती कि हम जाके खा ले, कहू ने हमें दो ना तो हम का करते। कोई दे का कह रही है, कोई दे? तुम्हारे का मेहंदी लगी? नहीं नहीं जी, हमें लगो अम्मा जो शुगर के लाने अपने कमरे में एक अलग से बक्सा खोल के रखती है मावा मिश्री नमकीन को, कछु ना कछु चबा ली होंगी। जाकी नजर बड़ी खराब है, हमारी अलमारी पे टिकी रहती है तुम्हारी मम्मी की नजर। कौन एक्चुअली फॉरगेटिंग एवरीथिंग, फर्स्ट फादर मदर फोकसिंग ऑन माय थिंग, एक्चुअली व्हाट हैपनिंग, मदर मी इज एंग्री विद मदर, मी इज बॉन्डिंग फाइटिंग विद मदर बिकॉज मी इज ऑन डाइट एंड मदर इन नाश्ता गिविंग पास्ता, दिस इज नॉट डन। क्या कह रही? नहीं नहीं समझ वैसे भी नहीं आने का, ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया, बस सिंपल सी बात है, मतलब डाइट कर रही है और घर में बन गया पास्ता ही, सॉरी प्रॉब्लम। पास्ता? अरे तो पास्ता ही तो बनने, तो लौंडाला पाड़िया ने जिद करी थी पास्ता बनने, तो बन गो हैं। एक मिनट, ये कौन सी जाति का पास्ता है? का मतलब ये देखो। हाँ क्या है ये? वही प्रजाति को है जोन प्रजाति को तुमने बोलो तो बनवा दियो, तुमने बोली नाम से लहसुनिया पास्ता बना दो, हमने कही लहसुनिया पास्ता। लहसुनिया? लहसुनिया नहीं, लजानिया, लजानिया, लजानिया। अरे तुमने लहसुनिया बोलो तो हमने थाने में सुनो तो लजानिया। बेटा एक सेकंड, देखा यार दिखने में तो बढ़िया लग रहा हो, पेल ले। पापा हमें इसको ना आंखों में नहीं डालना है, मुंह में डालना है, क्योंकि मुंह से टेस्ट आएगा ना। अरे तो मुंह से खा ले। हमें नहीं खाना, ये देख के कितना बुरा लग रहा है, लहसुनिया पास्ता कभी किसी ने नहीं खाया होगा जिंदगी में। बुरू लग रहा हो? अरे दो चार ठेके लहसुन ज्यादा डले बस, खा ले फटाफट। दो चार? अरे आठ दस सही है लेकिन खा लो ना यार, तुम्हारे यहाँ ज्यादा नाटक ना करू करो, बाप तो छाती मार के कमा रहा है, तुम्हारा उनकी फरमाइश खत्म नहीं हो रही। अरे खा लो यार खा लो, अगली बार बोबालू बन जाएगा लहसुनिया की जगह, जो भी है धी को लट जो भी है। पापा आपसे एक चीज कही थी बनवाने के लिए, वो भी गलत बनवाई आपने। क्या यार कुछ काम सही से करते ही नहीं। सीरियसली फादर मीज ऑन डाइट, मीज तो नॉट ईटिंग इट एट ऑल। मुझे तो खाना नहीं खाना, मैं नहीं खा रही लहसुन, इतनी जल्दी तो नहीं आ रही है, केचप और लहसुन भी मैं थोड़ी ना खाऊंगी, मैं लहसुन के पास थोड़ी खाऊंगी, ऐसे नहीं होता है। आप गलत जगह लहसुन खिला रहे हैं, हमें खिलाइए, हमें पता लहसुन के फायदे। खिलाएंगे लहसुन, खिलाएंगे तू। हाँ हाँ खिलाओ जाको लहसुन खिलाने, तुमने हमसे कहा कहो लहसुनिया पास्ता बनाने, तुमने बना दिया लहसुनिया पास्ता, तुमको जाको भी खिलाना है, खिलाओ लहसुन के तड़का लगाने हैं रज्जो, छौका छौका दो ना, छौक हो जाओ ना तो लौंडा और बिदक जाएंगे। मम्मी कह रही है कि आगे ध्यान रखेंगे, अबे तो खा लू यार। नो 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 प्लीज। अरे बेटा यार तुम समझो ना, घर में इतने सारे लोग हैं, बाप तो माँ होते ड्यूटी करे, फिर जबाली भी ड्यूटी निभा रहे स्वयं, अब तो मोरन की फरमाइश है बेटा, खत्म होने को नाम नहीं, गलत बात है ना। एक मिनट ड्यूटी की बात तो अब करो ही मत, क्योंकि मम्मी भी काफी सारा काम करती है, कितना काम करती है मम्मी, झाड़ू पोछा, हम लोग को संभालना, ऊपर से वो खाना बनाना, सब ड्यूटी वही तो करते हैं। आप तो क्या करते हो? हम कथक करते हैं, छाती मार के थाने में काम करते हैं, जो लौंडा हमें शुरू से पसंद नहीं है, कैसे बात कर रहा हूँ हमसे। और हम सबकी जितनी भी फरमाइश है ना, मम्मी को सबका चुपत होएगो और वो सारी फरमाइशें पूरी करती हैंगी। हाँ और बापू तेरी तरह ना ऑर्डर भी ना दिया करती मम्मी हमें बार बार। देखा बुआ सब तेरी गलती है, तेरी वजह से हमारा शुगर हिल गौ। नहीं बहू चाहे भले ही कितनी गैर जिम्मेदार आलसी काम चोर बेपरवाह हैगी, लेकिन खाना टेम से देती है। हमारी हालत का जिम्मेदार बस एक तू ही है। कर दियो मन को काहे। अरे यार व्हाट ही थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ मलाइका? हाँ व्हाट ही थिंकिंग, ही मेकिंग मी उल्लू, ही इज नेवर फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग हिम। तू बिना बात में अपना खून क्यों जला रही, तुझे पता नहीं है क्या वो कैसा इंसान है? एक काम जीवन में ढंग का करा उसने कभी? यू नो इज मलाइका व्हाट मी फॉलोइंग एवरीथिंग कमलेश सिंह, मीनिंग हिज टॉक लाइन ऑफ स्टोन फॉर मी। यार मैं सब कुछ इतना सीरियसली फॉलो कर रही थी, डाइट वर्कआउट एवरीथिंग, बट व्हाट हैपनिंग, यू नो व्हाट कमिंग, वेटिंग मशीन ही खराब निकली यार। सिंपल सी बात है, मतलब जब मशीन लाने वाले के दिमाग के पुर्जे ढीले हैं तो मशीन कैसे काम करेगी ढंग से। हाय कैट,
I have really something surprise for you. Miss, you know, me is very, very angry from you. We don't want to see your face. You just go from here, yaar. Get out. Get out from here. सुन लिया? और अगर नहीं समझ में आया ना तो डेमो दिखा दूंगी. निकल जाओ से चुपचाप दो मिनट में. जब दो बीच में बात कर रहे होते हैं तो छोटे बीच में पौका नहीं करते. Cat, miss, really sorry. And मेरी वजह से यू स्टॉपिंग ऑल द ड्रिंकिंग ईटिंग. सो आई एम रियली सॉरी कैट. नॉट जस्ट ड्रिंकिंग स्टॉपिंग ईटिंग कमलेश, इवन यू स्टॉपिंग माय फेवरेट फूड व्हिच मी लव सो मच. यू स्टॉपिंग दैट आल्सो. यू गो जस्ट गो. यस कैट 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 कैट. मी एग्री. मी टोटली एग्री. एंड कैट यू नॉट कहीं से भी फैटी नहीं है. यू आर जस्ट स्लिम स्लिम लाइक अ विंड. नो नीड एनी डाइटिंग फाइटिंग यार. यू आर को रियली. Yes, cat. Me slim, slim. Slim like a zero figure. Minus, totally minus में चल रही हो तुम आजकल. एक सेकंड दीदी, यो ना यो मस्का लगा रहा है. इसकी बात तो मैं नहीं है तो बिल्कुल भी. यो मतलब बेसिकली यो कहने की कोशिश कर रहा है कि तू इतनी पतली है, इतनी ज्यादा पतली है कि अगर थोड़ी सी हवा चले तो फुर्र से उड़ जाएगी. और माचिस की तिल्ली को भी तूने फेल कर दिया है ना. तू कुछ भी बोल ले, वो मेरी दोस्त है. एकदम परफेक्ट है. परफेक्ट मेरी दोस्त. ओह कैट परफेक्ट. So sweet, Kamlesh. You always caring for me so much. Thank you. Of course, get me caring you a lot. That's why me getting surprise something for you. Wait. Something, Kamlesh getting. Malaika, what? Just too excited. Yeah. Oh. This is the your favorite surprise. Oh my God. Chocolate chips, wafers. Everything my favorite. Thank you, Kamlesh. Thank you so much. एक मैं भी खा ही लूं. प्रोटीन खा के मैं भी बोर हो गया. आज कुछ जंक फूड खा लूंगी इस बार में. ओ, नीचे रख. ये तेरे लिए नहीं है. ये सिर्फ कैट के लिए है. नीचे रख. ये खाएगी तू मोटी हो जाएगी, फट जाएगी. हरियाणा पुलिस में लगेगी ना तो खान सामे की नौकरी मिलेगी. और वहीं बैठ के बस जलेबियां ऐसे जलेबियां तलती रहना. मोटी होके बैठी रहना एक जगह. 6 महीने से डाइट कर रही है ये पिद्दी. लेकिन ये देखो चर्बी आज भी वैसी की वैसी चढ़ी हुई है. चल मैं वर्कआउट करके आ रही. थोड़ा 2-4 डंड फंड मार ले, शायद हो सकता है वो भी कम हो जाए. जा. नहीं, यहाँ कौन से डंड हो रहे हैं? अरे मलाइका, ये कौन से डंड? अरे यहाँ की खाने जा रही मुझे. मलाइका, आज हम मान गए रज्जू, कसम से मान गए सारू. जोन घर में नौ ठैया बच्चन की रेल बनी हो, इतनो भीड़ भड़कता हो, वो हर एक के मन को खाना कौन के पेट में कहा जाएगा. जब तुम जो डिसाइड करती हो, आज हम समझ गए. जैसी घर में सारो खाना को डिसीजन ले लू, मतलब एवरेस्ट चढ़ने जैसे हुए. दादा हम गलती मान रहे, जो तुम सब कैसे कर लेती हो, कैसे कर लेती हो. काय निकर गई सब एकड़ी? ये धारदार मूछ तुम्हारी टेढ़ी हो गई. एकड़ी निकर गई ना बहुत उम्र. ये कर रहे थे हमें देख रहे. इतने मर मर के हमने सबके लाने कितनों का करो. इतने सालन से सबको खिला रहे, पिला रहे, सबकी फरमाइशें पूरी कर रहे, और तुम हमारी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं दरोगा जी. हमारी गलती है, हम अपनी गलती मान रहे. हमारी जब बचपन से बुरी आदत है उंगली करने की, अब हम सारे उंगली जब तोड़ लेंगे. आज हमें एहसास हो रहा हम गलत आते. अब तुम्हें डिसाइड करियो दादा, कौन आदमी का खाएगो, कैसे तुम सबकी फरमाइशें पूरी करती हो. जो बात को हमें एहसास अब हो रहा है, तुम रज्जू कसम से कह रहे हैं देवी हो देवी, हमारे तो तोता उड़ गए 2 दिन में. हम तो परेशान हो गए ये राक्षसी सेना के चक्कर में. लेकिन तुम इतने सालन से सबके मन को करती आ रही. अब हमें समझ में आ गओ, तुम रज्जू नहीं अकेली, तुम देवी हो देवी, साक्षात देव. अरे दादा हमें माफ कर दियो. हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई. आज हम समझ गए कि हमारे जो घर को चलाने के लाने आप ही जैसी देवी की ज़रूरत है. हम जैसे साधारण आदमी जो घर नहीं चला सकते, हमसे भूल हो गई. बस अपनों आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखियो, कृपा करो. तथास्तु. अब आगे से ध्यान. तुम? हाँ हम. कपड़ा बदल ले तुमने जी. कर रहे हैं तुम? हाथ जोड़े ऐसी अवस्था में कह लाने खड़े, ऐसे लग रहा हो तो जैसे
कोनो देवी देवता से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। एक सेकंड। क्या हो? क्षमा तो हम मांग रहे, दिल से मांग रहे तुमसे। आज हमें एहसास हो गो, जैसे भी हो गो, लेकिन एहसास हो गो। हमारी बैंड बज गई दो दिन में। तुम इतने सालन से सबको ध्यान, सबकी फरमाइशें, खाना पीना, सबको कैसे ध्यान कर लेती हो? हमें माफ कर दियो दादा, आज हमें सब समझ में आ गई अपनी गलती। जैसे माफी मांगने को, सॉरी बोलने को ना और भी बहुत से तरीके होते हैं। हाँ। 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 जैसे मुंह में लड़ुआ भर के जो है माफी मांगेगा तो माफ करने पड़ी है ना। वाकई लाने लेकिन न्योछावर चाहिए हमें। न्योछावर इतने नहीं, न्योछावर इतने मिलेगी, इसे तो सिर्फ माफी। आओ।